नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चंद दिनों में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें साउथहैम्पटन के मैदान में आमने सामने होंगी। 18 जून से 22 जून तक चलने वाले इस महामुकाबले के बाद दुनिया को टेस्ट का असली किंग मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में बता चुके हैं। WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पांचवें नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी। टिम साउथी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बल्लेबाजों की खूब खबर ली। उन्होंने WTC के 10 टेस्ट मैचों की 20 पारियों में 2.52 की इकोनॉमी रेट से कुल 51 विकेट हासिल किए। टिम साउथी फाइनल में भी भारत के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं हमारी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन। नाथन लियोन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 14 मैच खेले, जिसकी 27 पारियों में 2.78 की इकोनॉमी रेट के साथ कुल 56 विकेट हासिल किए। नाथन लियोन का इस दौरान एक पारी में 49 रन देकर 6 विकेट लेना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की इस लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है। नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। अश्विन ने WTC में कुल 13 मैच खेले, जिसकी 24 पारियों में 2.66 की इकोनॉमी रेट के साथ कुल 67 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान अश्विन ने एक पारी में 145 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जो उनका WTC में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऐसे में अश्विन WTC के फाइनल में भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे नंबर पर काबिज गेंदबाज की बात करें तो वो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 16 मैच खेले, जिसकी 31 पारियों में उन्होंने 2.76 की इकोनॉमी रेट के साथ कुल 69 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक पारी में 31 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे, जो उनका WTC में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। वहीं पहले नंबर पर काबिज गेंदबाज की बात करें तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। पैट कमिंस मौजूदा समय में अपनी सबसे अच्छे फॉर्म में। उन्होंने WTC में भी शानदार प्रदर्शन किया है और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने WTC में कुल 14 मैच खेले, जिसके 28 पारियों में उन्होंने 2.64 की इकोनॉमी रेट के साथ कुल 70 विकेट चटकाए। इसी के साथ कमिंस ने एक पारी के दौरान 28 रन देकर 5 विकेट भी अपने नाम किए, जो उनका WTC में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी वो अपनी टीम को WTC के फाइनल में पहुंचाने में नाकामयाब रहे। वहीं अगर आपसे पूछें कि WTC के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की तरफ कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, तो आप किसका नाम लेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।